108 फीट ऊंचा शिखर, 68 तीर्थों की स्थापना और 10 अलग अलग गर्भगृह वाला कल्कि धाम मंदिर। वही कल्कि धाम मंदिर जिसकी उत्तर प्रदेश के संभल जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आधारशिला रखी है। कौन है कल्कि भगवान, क्यों बताया जा रहा है कल्कि धाम को विश्व का सबसे अनोखा मंदिर और कब तक बनकर होगा तैयार, आपके इन सभी सवालों का जवाब आज हम देंगे। नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषिभा। भगवान कल्कि को प्रभु विष्णु का 10वां अवतार माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब कलयुग में पाप अपने चरम पर होगा तब भगवान विष्णु के 10वें अवतार यानी कि कल्कि दुष्टों के नरसंहार के लिए अवतरित होंगे। संभल में बनने जा रहे कल्कि धाम मंदिर की खासियत ये है कि ये दुनिया का पहला ऐसा धर्म स्थल होगा जहां भगवान के जन्म से पहले ही यानी कि उनके इस अवतार के अवतरित होने से पहले ही उनकी मूर्ति स्थापित होगी। वहीं इस मंदिर को दुनिया का सबसे अनोखा मंदिर कहा जा रहा है क्योंकि इस मंदिर में भगवान विष्णु के 10 अवतारों के लिए 10 अलग अलग गर्भगृह बनाए जाएंगे। मंदिर का निर्माण 11 फीट ऊंचे चबूतरे पर होगा। इसके शिखर की ऊंचाई 108 फीट होगी। ये अनोखा मंदिर 5 एकड़ में बनकर तैयार होगा। बताया जा रहा है कि इस मंदिर को बनने में 5 साल का समय लगेगा। आपको ये भी बता दें कि इस मंदिर के निर्माण में उन्हीं गुलाबी पत्थरों का इस्तेमाल होगा जिनका गुजरात के सोमनाथ मंदिर और अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण में हुआ है। ये गुलाबी पत्थर राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित बंशी पहाड़पुर की हैं। मंदिर निर्माण में कहीं भी स्टील या लोहे का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। संभल में बनने जा रहे कल्कि धाम मंदिर में भगवान कल्कि के नए विग्रह की स्थापना होगी जबकि पुराना कल्कि पीठ यथावत बना रहेगा। आपको बता दें इस मंदिर के निर्माण को लेकर भक्तों में एक अलग ही खुशी देखी जा रही है और हर कोई मंदिर में भगवान कल्कि के विग्रह रूप के दर्शन करने के लिए उत्सुक है।